मेटल नॉन मेटल को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं रिएक्शंस कैसे होती हैं मेटल्स के साथ। सबसे पहले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जी हाँ, मेटल मैंने आपको बता दिया है और ऑक्सीजन भी आपको पता है, यानी कि हवा के साथ। मेटल्स जो होते हैं, ये मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें आपने मे भी ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया हो, बट हम अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स देखते हैं और उनको हवा के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हुए हम देखते हैं, बट ऑब्जर्व हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास आयरन होता है, आप देखते हो हार्डवेयर वाले के पास सरिया होता है, ठीक है, जिस बना शस्त्र से बना। सो ये नौ नौ चासा उसका कलर बिल्कुल अच्छा होता है, चमकता रहता है। जब वो बाहर बहुत देर तक पड़ा रहता है और कोई बारिश के बाद उसमें देखोगे उसमें रस्ट लगा होता है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसी तरह कॉपर में भी और सिल्वर में, सिल्वर जो है ये टार्निश्ड हो जाता है और कॉपर में ग्रीन लेयर से लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसकी वजह से होती हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से। तो ये क्या होता है, क्या है, मेटल्स जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर। ये सब चीज़ें जो है बेसिक नेचर में होते हैं, और जब ये पानी के साथ मिलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब पानी के साथ मिलते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, ये एसिड्स बेसिस, मैंने आपको सेवन्थ क्लास में समझाया था। मैंने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, आयरन की चेन है, जब ये ओ टू इज द ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन एफ ई जो है सिंबल है आयरन का, ठीक है, और वाटर जब इसके साथ मिक्सअप हो जाता है तो ये हमें रस्ट दे देता है। ये आयरन जो है, देखो इसमें जंग लगा हुआ है ये, और इसका फॉर्मूला जो है Fe2O3H2O, यानी कि ये रस्ट का फॉर्मूला है। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी देर के बाद अगर बाहर कोई भी लोहे की चीज़ पड़ी रहती है, पानी गिरने के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मेटल्स जो भी होते हैं ये रिएक्ट करते हैं पानी और ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, यहाँ पे है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। मेटलिक कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और कॉपर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड डेवलप्स अ ग्रीन कलर्ड कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। मतलब जब जो कॉपर है, कॉपर जब हमारा ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट में आ जाता है, काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, तो मॉइस्चर होने की वजह से क्या होता है, एक ग्रीन कलर्ड कोटिंग लगने, उसके ऊपर जमने लगती है, जिसको हम कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं और कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वहाँ से प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको केमिकली लिखें, केमिस्ट्री में जैसे हम लिखते हैं Cu स्टैंड फॉर कॉपर, यानी कि दो कॉपर के हमें इसमें यूनिट्स लेने हैं, प्लस OH2O दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब तीन चारों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो ये क्या हमें देखता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। पहला CuOH2 जो है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, और CuCO3 इज द कॉपर कार्बोनेट। ये मैं नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर के आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ये आपने यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये जो है ग्रीन से है, एल्गी जैसा जो दिखता है वो उसमें परत से जमने लगती है। सो ये ऑल दैट इज़ ऑल ड्यू टू द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ, हमें आयरन का बताया मैंने, आयरन को क्या कैसा रस्ट बन जाता है, और कॉपर जो है
कैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट को वहाँ पे शेप दे देता है, चेंज हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर सिल्वर हो, सिल्वर का स्पून अगर हो, आप उसको काफ़ी टाइम के बाद जब देखोगे उसमें कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया होता है। वो इसलिए क्योंकि सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर जो है जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फर के साथ जो कि हवा में होता है, क्योंकि हमें पता है हवा में सल्फर भी होता है, तो ये टार्निश्ड हो जाता है, अलग से कलर हो जाता है इसमें। तो अगर हम केमिकली मैं फार्मूला बता दूं, Ag स्टैंड्स फॉर, Ag जो है केमिकल फार्मूला है सिल्वर का, H2OS या H2S दैट इज जो मेटेलिक या सल्फर हाइड्रोजन सल्फर जो है H2S फार्मूला है हाइड्रोजन सल्फर का, या सिंपल सल्फर जो हम इसके साथ मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज द ऑक्सीजन, तो हमें वहाँ क्या देता है, सिल्वर, सिल्वर सल्फेट दे देता है Ag2S, और पानी इसके साथ एक्स्ट्रा सेपरेट कर लेता है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इसमें मेटल जो है पानी के साथ सेपरेटली क्या क्या हमें प्रोड्यूस करके दे देता है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे।